सब्सक्राइब कीजिए योगा साथी चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए डिफरेंट डिफरेंट आसन सबसे पहले सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल योगा साथी में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि यहां मिलेगा आपको हर हफ्ते एक नया आसन सीखने को। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं द्विपाद शिखंड आसन की और जानने वाले हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे किया जाए ताकि आप इसे एक आसान और एक सरल तरीके से कर पाएं। तो फ्रेंड, द्विपाद शिखंड आसन सीखने से पहले आपके लिए ये जरूरी है कि आपको एक पाद शिखंड, उत्थित एक पाद शिखंड और ओमकार आसन, इन आसनों को सीखना जरूरी है। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वो वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, द्विपाद शिखंड आसन दोनों पैरों को सिर के ऊपर रख कर करने वाले आसनों में से है। मैं इसके लिए आपको चार प्रैक्टिस बताऊंगा। ये चार प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे, रूटीन में करेंगे, तो डेफिनेटली आप इजीली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस आसन को कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं द्विपाद शिखंड आसन की प्रैक्टिस। द्विपाद शिखंड आसन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिर पर पैर रखने के बाद उसको नीचे किस तरह लेके आएं ताकि जब हम दूसरा पैर रखें तो उसको वहाँ पे इजीली हैंडल कर पाएं। सिर पर पैर रखने की वीडियो मैंने पीछे बना चुका हूँ, वहाँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब उससे आगे की प्रैक्टिस द्विपाद शिखंड के लिए, उसके लिए हम पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे। हाँ, उठाओ, एक बार ऊपर खींचने के बाद, हाँ, एक बार ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे, उसके बाद इसको पीछे की तरफ रखेंगे। रखो सिर के पीछे, यस, आराम से। हाँ, अब यहाँ पे मेन प्रैक्टिस है, आपको यहाँ पे इसको नीचे जितना हो सके नीचे लाना है ताकि आप दूसरा पैर जब ऊपर रखें तो यहाँ पे इतना स्पेस हो कि आप इजीली उसको हैंडल कर पाएं दूसरे पैर को। अब उसके बाद आपको इस कोनी को ऊपर उठाएंगे, इस हाथ के सपोर्ट से इस कोनी को पीछे की तरफ से घुमाएंगे और अपने चेस्ट को सामने की तरफ और ठोड्डी को ऊपर की तरफ करेंगे और पीछे जो बैकवर्ड साइड है इसको जितना हो सके आप सीधा ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे और इसको नीचे की तरफ। यही सेम प्रैक्टिस आपको दूसरे पैर से भी करनी है ताकि आपको दोनों पैरों से अच्छी प्रैक्टिस हो, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स वगैरह, हिप्स के मसल्स वगैरह अच्छी तरह स्ट्रेचअप हो, पहली प्रैक्टिस। अब दूसरी प्रैक्टिस में हम दोनों पैरों को सिर के ऊपर रखना सीखेंगे। अब तक हमने एक एक पैर ऊपर रखना सीखा, उसकी प्रैक्टिस करने से की, अब दोनों पैरों को ऊपर रख के कौन सी प्रैक्टिस करें। दूसरी प्रैक्टिस में हमें दोनों पैरों को ऊपर रखना सीखना है। इसके लिए हम पहले पैर को जितना हो सके डाउन रखेंगे, उतना ही हमें यहाँ पे जरूरी स्पेस मिलेगा जो कि दूसरा पैर हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। अब पहला पैर मैक्सिमम नीचे रखने के बाद दूसरे पैर को ऊपर खींचेंगे। अब जो पहला पैर है उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, देखो, हाँ, ये ऊपर, ये देखो साइड से अगर हम देखेंगे तो पहला पैर नीचे की तरफ है और उसके ऊपर दूसरा पैर है। ये दूसरा पैर अगर हम ऊपर रखेंगे तो आप गर्दन देखिए कितने अच्छे तरीके से सामने आएगा और चेस्ट बाहर आएगा वापस। दूसरे प्रैक्टिस के बाद अब चलते हैं तीसरी प्रैक्टिस, द्विपाद शिखंड की तीसरी प्रैक्टिस। तीसरी प्रैक्टिस में हम दोनों पैरों को सिर के ऊपर रखने के बाद हमें आगे की तरफ लेटना है, जैसे लेटो, हाँ, इसको सुप्त कुर्मासन भी बोलते हैं। इसमें दोनों पैरों को ऊपर रख के ऐसे आगे की तरफ लेटा जाता है, हाथों को पीछे यहाँ पे ग्रिप बनाया जाता है, इसको सुप्त कुर्मासन भी बोलते हैं। अब हमें मेन प्रैक्टिस क्या है, जब हम दोनों पैरों को ऊपर रख लेंगे अपनी कमर को फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल ना बने, बिल्कुल फ्लैट बने और हाथों को आगे सीधा, ठोड़ी को मैक्सिमम आगे और चेस्ट को जमीन पे लगाने। हम जितनी अच्छी तरह इसको स्ट्रेचअप करेंगे जब हम द्विपाद शिखंड और उत्थित द्विपाद शिखंड आसन करेंगे उतना ही हमें हेल्प मिलेगा कि हम आराम से और अच्छे तरीके से कर पाएं। इसको मैक्सिमम हमें स्ट्रेच करके रहना है, थोड़ी देर आप स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करके थोड़ी देर, एक मिनट चाहे दो मिनट, अपने शक्ति के अनुसार इसको होल्डिंग करके रखें वापस। द्विपाद आसन की तीन प्रैक्टिस के बाद चलते हैं चौथी प्रैक्टिस में। चौथी प्रैक्टिस में आपको सिंपल द्विपाद आसन, तो दोनों पैरों को रखकर दोनों हाथों को यहाँ पे आपस में जोड़ना है। देखिए, ये सिंपल द्विपाद शिखंड है, ये उत्थित नहीं है, ये सिंपल है। अब इसके बाद हम उत्थित करना सीखेंगे। उत्थित करने के लिए अपने दोनों हाथों को हिप्स के
साइड में रखेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, हाथों में जोर बनाना पड़ेगा। अब सांस को भरते हुए हम थोड़ा सा बॉडी को लिफ्ट अप करेंगे, हाँ जोर लगाते हुए, ये देखिए इस तरीके से आराम से लिफ्ट अप करेंगे। आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा जोर लगा के अपने स्पाइन को ऊपर खींचते हुए आप बॉडी का वेट हाथों में देते हुए ऊपर खींचेंगे, अपने आप सांस को भरते हुए और आराम से कर पाएंगे रिलैक्स। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा कि ये चार प्रैक्टिस करके आप द्विपाशीकंद आसन को आसान तरीके से बिल्कुल इजीली एक्यूरेट ढंग से और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि ये चार प्रैक्टिस आप डेली करें, रूटीन में करें, तो आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये आसन थोड़ा सा मुश्किल आसन है, थोड़ा सा एडवांस आसन है, इसलिए ज़रूरी है कि इससे पिछले वाले आसनों को आप जल्द से जल्द सीखें। उन आसनों को अगर आप सीख जाएंगे तो इस आसन को आप आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में उस आसन का नाम भी बता सकते हैं जो आसन आप सीखना चाहते हैं और उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं आ रही। तो फ्रेंड जल्दी लौटूंगा एक नया आसन त्रिविकार आसन की। हमारे एक योग प्रैक्टिशनर ने बताया कि उस आसन को सीखना चाहते हैं, तो हम उनके लिए और आप सभी के लिए उस आसन की प्रैक्टिस के एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद।